हेलो दोस्तों, एक बार फिर से चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आया हूँ डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री बॉक्स, और कुछ है गाइस हमारे पास पेंसिल, और कुछ है गाइस हमारे पास डिफरेंट टाइप के शार्पनर एंड पेन। दोस्तों इन सबको अनबॉक्स करेंगे दोस्तों, बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इन सब में सबसे अच्छी चीज क्या लगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच वी फैमिली की तरफ से। और दोस्तों जब भी आप कमेंट करते हो ना, कमेंट करने के बाद ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखा करो, जिससे मुझे आपका नाम याद हो जाए। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन शुरू करते हैं। आज के कलेक्शन में गाइस हमारे पास सबसे पहले है गाइस काफी कलरफुल और काफी अमेजिंग सी यूनिकॉर्न की पेंसिल पाउच। दोस्तों ये काफी कलरफुल है, और इतने कलर गाइस हमें किसी भी पेंसिल पाउच में नहीं मिलते। चलो निकालता हूं, और इस पेंसिल पाउच को केवल 100 रुपीज का परचेज किया। और ये देखो दोस्तों, वाओ कलर देखो दोस्तों, कितने सारे कलर है इस पेंसिल पाउच के ऊपर दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हो इस पेंसिल पाउच पे यूनिकॉर्न का डिजाइन काफी जबरदस्त बनाया। चलो ओपन करता हूँ, और की चैन देखो दोस्तों, की चैन पे दिल बना है दोस्तों, काफी जबरदस्त। ओपन करके देखते हैं दोस्तों, ये देखो दोस्तों कितनी स्मूथली ओपन हो गई। अंदर का स्पेस देखते हो तो ये देखो दोस्तों, अंदर कितना अच्छा स्पेस है। इसमें तो दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाए। और सबसे अच्छी बात है गाइस, ये है ना दोनों तरफ से कलरफुल है, और सबसे अच्छी बात है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है गाइस दोनों तरफ से, देख सकते हो दोस्तों काफी अमेजिंग। और इस पेंसिल पाउच को जितना मर्जी मोड़ लो दोस्तों, कुछ भी नहीं होता दोस्तों। और अभी तो ठंड चल रही है, ठंड में तो दोस्तों इसे पकड़ के बैठने में भी काफी मजा आ रहा है, क्योंकि इसे पकड़ने में मेरे हाथ काफी गर्म हो चुके हैं दोस्तों। काफी अमेजिंग है दोस्तों, काफी जबरदस्त। आपको कैसी लगी दोस्तों ये पेंसिल पाउच दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक शॉप बॉक्स की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी, काफी महंगी ज्योमेट्री बॉक्स है, 600 रुपीज की परचेज करिए। इसके अंदर इतना स्पेस है ना, आप देख के हैरान हो जाओगे। और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी, देखी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, नहीं देखिए तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। चलो फटाफट फाड़ता हूं और दिखाता हूं दोस्तों इसमें कितना स्पेस है और कितना स्टडी मटेरियल आ जाएगा। तो ये देखो पहले कलर कॉम्बिनेशन देखो दोस्तों इस पेंसिल बॉक्स का, ये देखो दोस्तों है ना काफी गजब। और ये देखो इसमें हमें पासवर्ड मिलता है, पासवर्ड से दोस्तों इसका ढक्कन ओपन होता है। और ये देखो दोस्तों इसमें काफी अच्छा सा एक हैंडल मिल जाता है, जिससे इस बॉक्स को हम काफी इजी से कैरी कर सकते हैं दोस्तों। चलो अब इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के लिए दोस्तों हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड कहां है पासवर्ड दोस्तों, ये देखो दोस्तों ये स्टिकर, इस स्टिकर को हटाएंगे तो दोस्तों इस स्टिकर में गाइस हमें मिलेगा एक पासवर्ड, एक हिडन पासवर्ड है। और पासवर्ड क्या है ये देखो, पासवर्ड है 245, तो 245 है तो 2 को हम नीचे कर देंगे गाइस, और 4 को भी नीचे कर देंगे, और 5 को भी नीचे कर देंगे दोस्तों। और फिर इस बटन को दबाएंगे और लॉक ओपन हो गया दोस्तों, ये देखो। और ओपन होते ये देखो अंदर से कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है, ये देखो। और इसके अंदर तो गाइस हमें दो दो व्हाइट बॉडी मिल गया, और ये देखो क्या दोस्तों इसके अंदर एक और लॉक मिलता है दोस्तों, ये देखो दोस्तों। और इसका पासवर्ड क्या है, 123, तो 1 को हम नीचे कर देंगे, 2 को भी नीचे कर देंगे, और 3 को भी नीचे कर देंगे, और बटन दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखो दोस्तों एक हिडन कंपार्टमेंट मिलता है, इसके अंदर स्पेस देख सकते हो दोस्तों कितना जबरदस्त स्पेस है दोस्तों। इसमें तो हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा, गहराई काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। चलो इसे बंद करते हैं। एक ऐसी लॉकी ज्योमेट्री बॉक्स है जिसमें गाइस हमें दो लॉक मिल जाते हैं, और वो भी पासवर्ड वाले। चलो कंपार्टमेंट मिलता है तो ये देखो दोस्तों, ओहो वाओ यार, ये देखो दोस्तों कितना गहरा कंपार्टमेंट है दोस्तों। इसमें तो दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। और ये देखो इसके अंदर मिल जाता है हमें एक मार्कर विद डस्टर, तो इस मार्कर से दोस्तों हम इस व्हाइट बोर्ड पे टिकटॉक तो या कुछ भी और वर्क कर सकते हैं दोस्तों। स्पेस देख सकते हैं दोनों कंपार्टमेंट में काफी जबरदस्त स्पेस है। और गाइस इसके अंदर मिलता हमें एक और हिडन कंपार्टमेंट, ये देखो दोस्तों हिडन कंपार्टमेंट। और यहां देखो दोस्तों हमें मिरर मिल जाता है, जिसमें गाइस हम अपना फेस देख सकते हैं। और ये देखो दोस्तों स्पेस काफी जबरदस्त है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। और इसमें गाइस हमारे पास जो भी महंगी चीज होती है उस चीज को हम इसमें रख के दोस्तों फिर इसके अंदर रख देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा गाइस हमारे इस ज्योमेट्री बॉक्स में काफी कीमती चीज रखी है दोस्तों। आपको कैसी लगी दोस्तों ये ज्योमेट्री बॉक्स, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपने इससे पहले ज्योमेट्री बॉक्स देखी थी? अगर नहीं देखी है तो दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और देखी हो तो प्लीज ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों ये ज्योमेट्री बॉक्स अच्छी लगी तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं दोस्तों।
नेक्स्ट गाइस हमारे पास एक सिंगापुर का स्टेशनरी सेट गाइस, और ये भी काफी जबरदस्त है, और इसमें गाइस हमें काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, वो भी सिंगापुर की। वो कैसे निकालता हूँ दोस्तों बॉक्स से, और बॉक्स से देखो दोस्तों कितना पतला बॉक्स है, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों ये मेटल का, प्लास्टिक का बॉक्स नहीं है, मेटल का बॉक्स है। चलो ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों इसमें, और इस वाले स्टेशनरी सेट को ना दोस्तों मैंने परचेज किया 150 रुपीज का। ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों इसमें हमें कितने आइटम मिलती है। तो चलो ढक्कन ओपन कर लेते हैं दोस्तों, ढक्कन थोड़ा सा टाइट है, और ओपन करते हैं। ये देखो दोस्तों ओपन कर लिया, और इसके अंदर देखो दोस्तों हमें क्या मिलता है। सबसे पहले तो ऊपर गाइस हमें मिलता है एक सिंगापुर का गाइस एक आईडी कार्ड, ये देखो दोस्तों एक आईडी कार्ड मिल जाता है, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग सा। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर गाइस हमें मिल जाता है एक पेन, ये देखो सिंगापुर का पेन, और इस पेन के ऊपर सिंगापुर लिखा हुआ। चलो दबाते हैं, और ये पेन नहीं है दोस्तों, आई थिंक ये पेन है, क्या है, हाँ पेन है। ये देखो दोस्तों पेन मिल गया सिंगापुर का, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग सा। और क्या मिलता है इसके अंदर, ये देखो दोस्तों ये देखो इसके अंदर गाइस हमें मिल जाती है नहीं दो दो पेंसिल, और दोनों पेंसिल के ऊपर सिंगापुर लिखा है। दोस्तों क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है, इस पेंसिल का साइज भी काफी जबरदस्त है। और क्या मिलता है दोस्तों इसके अंदर, और इसके अंदर गाइस हमें मिलता है एक शार्पनर, सिंगापुर का शार्पनर दोस्तों, काफी अच्छा और काफी अमेजिंग क्वालिटी का दोस्तों, देख सकते हो शार्पनर कितना शार्प है। और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर गाइस मिलता है हमें 15 सेंटीमीटर का रूलर, और रूलर की क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है। और ये देखो सिंगापुर लिखा है, और सिंगापुर में जितने भी एडवेंचर होते हैं वो सारे का डिजाइन बना हुआ है दोस्तों इस रूलर के ऊपर दोस्तों, काफी जबरदस्त है। और गाइस क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर गाइस काफी बड़ी एक इरेजर मिल जाती है गाइस सिंगापुर की, देख सकते हो। और क्या मिलता है इसके अंदर, एक मिलता है गाइस इसके अंदर, ये क्या है दोस्तों, ये बॉक्स है, और ये क्या है, ये ओहो ये देखो ये पेंसिल नीडल्स मिल गई दोस्तों, ओ वाओ, यानी दोस्तों ये पेन नहीं है दोस्तों, ये है एक हमारा मैकेनिकल पेंसिल। ये देखो दोस्तों इसके अंदर निब डालेंगे दोस्तों, फिर चलाएंगे दोस्तों, काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग मुझे तो लगा पेन है, बट ये गाइस इसके अंदर गाइस हमें मिल जाता है एक मैकेनिकल पेंसिल, और ये नीडल बॉक्स मिल गई, इसमें हमें काफी सारी नीडल्स मिल जाती हैं दोस्तों, और बॉक्स हो गया खाली। और गाइस हम इसके अलावा गाइस कुछ और भी अपना स्टडी मटेरियल रख सकते हैं, क्वालिटी काफी जबरदस्त है गाइस। हमारा जब ये सारा स्टडी मटेरियल खत्म हो जाएगा तो इस बॉक्स को हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं दोस्तों। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न की गाइस काफी जबरदस्त और काफी प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, और इस ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाता है हमें ग्लिटर, ये देखो गाइस ये देखो सारा ग्लिटर देखो नीचे जा रहा है, और इस ग्लिटर में गाइस हमें स्टार और काफी सारे लिक्विड भी मिल जाते हैं दोस्तों। लॉक देखो दोस्तों कितना अमेजिंग है, और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने परचेज किया है गाइस 200 रुपीज का। लॉक देखो कितना जबरदस्त है, लॉक ओपन करते हैं, लॉक ओपन करते गाइस एक ढक्कन ओपन होता है, ढक्कन ओपन करते ही गाइस कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। और क्या मिलता है गाइस, ढक्कन ओपन किया तो एक और कंपार्टमेंट मिलता है, इस कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस, और यहाँ देखो दोस्तों हमें टाइम टेबल देखने को मिल जाता है। बट गाइज इसके ऊपर गाइज हमें जो माय मैजिक यूनिकॉर्न लिखा है ना वो काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग। आपको कैसी लगी ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास एक काफी जबरदस्त काफी प्यारी सी गाइज पेंसिल पाउच, और इस पाउच को गाइज मैंने 140 रुपीज का परचेज किया है, और ये सारी चीज ना मैंने ऑफलाइन परचेज करी है, ऑनलाइन नहीं परचेज करी। आप लोग कहते हो भैया लिंक डालो डिस्क्रिप्शन में, तो मैं लिंक नहीं डाल सकता क्योंकि गाइज मैं ऑफलाइन परचेज करता हूँ, ऑनलाइन मैं कुछ भी परचेज नहीं करता। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये पेंसिल पाउच दोस्तों, ये काफी अमेजिंग है। चलो निकालता हूं, और ये देखो दोस्तों क्वालिटी देखो, पहले डिजाइन देखो इसके ऊपर कितना शानदार डिजाइन बना है, फूलों का डिजाइन बना है दोस्तों इस पेंसिल पाउच के ऊपर, ये देखो काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग है। इसमें गाइस हमें दो जिप मिलती है, ये देखो दोस्तों एक जिप गाइस ये है, और सेकंड जिप ये है, और सेकंड जिप पे दिल बना है, और फर्स्ट जिप बिल्कुल सिंपल सी है दोस्तों, आप देख सकते हो। ओपन करते हैं, अंदर का स्पेस देखते हैं दोस्तों कैसा है, तो ये देखो दोस्तों कितना अच्छा स्पेस है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक मेकअप इरेजर सेट दोस्तों, इतने बड़े बॉक्स में गाइस हमें मेकअप के इरेजर मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं चलो दिखाता हूँ आपको। तो निकाल लेते हैं बॉक्स से, और ये देखो दोस्तों ये देखो मेकअप इरेजर, और ये देखो दोस्तों इसमें गाइस हमें मिल जाता है एक शीशा गाइस, और ये मेकअप का सारा सामान, और सबसे अच्छी बात है गाइस ये सारी चीज इरेजर है, जैसे ये ब्रश है तो ये ब्रश है इरेजर, ये देखो दोस्तों काफी अमेजिंग, और ये पाउडर होते हैं, और ये पाउडर नहीं है दोस्तों ये भी है इरेजर, ये देखो दोस्तों
काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त। और सबसे अच्छी बात है गाइज, इसका जो डिजाइन है ना वो काफी अमेजिंग लग रहा है। आपको कैसा लगा गाइज ये मेकअप इरेजर सेट दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास स्क्रूडल की गाइज ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल दोस्तों, और इस पेंसिल सेट को मैंने परचेज किया है 50 रुपीज का गाइज। चलो दिखाता हूँ दोस्तों इसमें कैसी पेंसिल मिलती है और कितनी पेंसिल मिलती है। टोटल 10 पेंसिल मिलती है और इसके साथ ना हमें इरेजर और शार्पनर फ्री में मिलता है। ये देखो पहले तो एक इरेजर मिल जाता है फ्री में इसके अंदर, और एक काफी जबरदस्त सा गाइज हमें ब्लैक कलर का शार्पनर भी फ्री में मिल जाता है। ये देखो काफी जबरदस्त। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल। ये देखो दोस्तों टोटल 10 पेंसिल मिलती है और 10 पेंसिल की क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग है। डिजाइन देख सकते हो दोस्तों कितना अमेजिंग डिजाइन बना है इसके ऊपर। और ये है गोल्ड पेंसिल, और ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल होती है, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग। साइज भी देखो दोस्तों काफी प्यारा है। तो आपको ये स्क्रूडल की ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी जबरदस्त सी कंसोलर वाली पेंसिल बॉक्स दोस्तों, ये भी काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। और इस कंसोलर वाली गेमिंग कंसोलर वाली ज्योमेट्री बॉक्स को ना मैंने 100 रुपीज का परचेज किया है। बैक साइड में गाइस हमें मिल जाता है काफी अमेजिंग साइज दोस्तों एक व्हाइट बोर्ड, दोस्तों एक व्हाइट बोर्ड मिल जाता है। ओपन करके दिखाता हूँ इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती है इसके अंदर। ये देखो दोस्तों इसके अंदर गाइस हमें मिल जाता है शार्पनर मिल जाता है, एक इरेजर मिल जाती है गाइस, और गाइस हमें मिलती है पेंसिल, ये देखो पेंसिल मिल जाती है, और मिलता है इसके अंदर गाइस हमें एक रूलर 50 सेंटीमीटर का रूलर मिल जाता है। इसे हटाते हैं तो एक ट्रे मिलता है, ट्रे पे देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी सीनरी बनी है। ये देखो प्रिंसेस की सीनरी बनी है, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग सीनरी बनी है दोस्तों। ये देखो और क्या देखो, इसे हटाते नीचे एक और कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। और इसका जो ये देखो पेंसिल है ना, पेंसिल के ऊपर देखो दोस्तों प्रिंसेस की फोटो भी छपी है दोस्तों, देख सकते हो साइज इतना जबरदस्त है इस पेंसिल का दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास अप्सरा की गाइस मैजिक 2.0 पेंसिल दोस्तों, और ये पेंसिल ना काफी कलरफुल होती है, यानी जो भी इसके छिलके होते हैं ना, जो हम पेंसिल को शार्प करते हैं उसके छिलके इस कलर के निकलते हैं, यानी कलरफुल निकलते हैं। आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे होते हैं। और ये पहले 68 रुपीज की आती है, अब ये 60 रुपीज की आने लगी, टोटल 10 पेंसिल आती है दोस्तों। और ये दिखाता हूँ पहले तो देखो इसमें काफी कलरफुल गाइस एक इरेजर मिल जाती है, ये देखो ब्लैक और रेड कलर की इरेजर मिल गई, एक शार्पनर मिल गया दोस्तों, लॉन्ग पॉइंट शार्पनर मिल गया इसके अंदर। और ये देखो दोस्तों पेंसिल निकालता हूँ तो ये देखो दोस्तों पेंसिल मिल जाती है, और पेंसिल देख सकते हो दोस्तों कितनी कलरफुल है, देख सकते हो है ना, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। जब हम शार्प करेंगे ना तो इस पेंसिल को इसमें से छिलके निकलेंगे गाइस ऑरेंज और ब्लू कलर के छिलके निकलेंगे, और इसमें गाइस ग्रीन और ऑरेंज कलर के छिलके निकलेंगे दोस्तों, और इसमें केवल रेड कलर के छिलके निकलेंगे, देख सकते हो काफी अमेजिंग है। ये है गाइस मैजिक 2.0। और गाइस आप देख सकते हो इस पेंसिल के पीछे भी डिजाइन है, यानी ये डिजाइन ग्रीन बना है तो ग्रीन कलर की पूरी पेंसिल है दोस्तों। और ये देखो येलो और ग्रीन है तो आगे येलो और ग्रीन होगा दोस्तों, ये देखो है ना काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। आपको ये अप्सरा की 2.0 कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट चीज दिखाता हूं दोस्तों आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक सीक्रेट पेन गाइस, सीक्रेट पेन। और सीक्रेट पेन कैसा है दोस्तों आपको दिखाता हूं, इस सीक्रेट पेन को देख के ना आप हैरान होने वाले हो। और केवल मैंने 20 रुपीज का परचेस किया है, निकालता हूं दोस्तों बॉक्स से, और बॉक्स से निकालने के बाद दिखाता हूं ये सीक्रेट पेन। और इसमें गाइज हमें सबसे अच्छी बात तो गाइज एक एक्स्ट्रा में गाइज हमें रिफिल भी मिल जाती है, ये देखो एक रिफिल फ्री में मिल गई इसके अंदर। और ये है दोस्तों हमारा पेन, ये देखो इस ये है सीक्रेट पेन। और इस सीक्रेट पेन के आगे गाइज हमें यूवी लाइट मिल जाती है, ये देखो यूवी लाइट मिल जाती है, काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग है। अब आपको कुछ चला के दिखाता हूँ, चलो इसके पीछे चला के दिखाता हूँ तो देखो आपको दिखेगा नहीं, तो ये देखो मैंने VVK लिख दिया, अभी तो ऐसे दिख रहा है नॉर्मल ना, अभी देखो और भी दिखा देता हूँ तो विवेक लिख देता हूँ, छोटे छोटे अक्षरों में विवेक लिख देता हूँ, विवेक लिख दिया। यूवी लाइट को जलाता हूँ दिखाता हूँ, तो ये देखो यूवी लाइट को जलाया और ये देखो कितने साफ से ये वीवी के दिख रहा है, देखो इसके ऊपर ये देखो मैंने विवेक लिखा था, देख सकते हो कितने जबरदस्त है ना काफी अमेजिंग ये सीक्रेट पेन। तो विदाउट यूवी लाइट ना हम इस स्केच पेन को यानी इस पेन को देख नहीं सकते हैं दोस्तों, हमें यूवी लाइट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। हमें कुछ भी काम हो हम रफली वर्क कर लेंगे दोस्तों, जैसे मैंने हाथ पे ये टिगड़म पिगड़म सब बना दिया और फिर यूवी लाइट के द्वारा दोस्तों मैं इसे देखूंगा क्या क्या बनाया। अब देखो दोस्तों मैंने अपने हाथ पे ये देख सकते हो तिगड़म बनाई है, और विदाउट यूवी लाइट तो दिख भी नहीं रहा दोस्तों, मैंने अपने हाथ पे कुछ लिखा भी था। आपको ये सीक्रेट पेन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ गाइस। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये देखो गाइस एक एग वाला सेट दोस्तों, ये भी काफी अमेजिंग है काफी प्यारा है गाइस। और इसके अंदर गाइस हमें मिलते हैं 6 अंडे इस सेट में, और इसमें किस तरह के अंडे दिखाता हूँ तो ये देखो दोस्तों ये कितना जबरदस्त है। और ये अंडे नहीं है दोस्तों, ये है गाइस हमारा एक छोटा सा एग लुक में दोस्तों हमारा हाईलाइट
हाइलाइटर, ये देखो दोस्तों अमेजिंग। और देख सकते हो ये हाइलाइटर कितना जबरदस्त चल रहा है, कितना स्मूथली चल रहा है, देख सकते हो। आपको अंडे वाला हाइलाइटर कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अंडे वाला हाइलाइटर अच्छा लगा तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। नेक्स्ट चीज दिखाता हूं दोस्तों, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक अम्ब्रेला दोस्तों, ये देखो दोस्तों अम्ब्रेला। और ये दोस्तों ये अम्ब्रेला नहीं है, ये है हमारे पास अम्ब्रेला लुक में दोस्तों, काफी जबरदस्त सब पैन। ये देखो दोस्तों पैन है, काफी अमेजिंग, देखो कितना जबरदस्त है छाते लुक में दोस्तों। आपने सोचा भी था ये छाते लुक में हमें पैन मिलेगा है ना, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग सा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं दोस्तों। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट वाला दोस्तों पेंसिल पाउच दोस्तों, ये भी काफी अमेजिंग है, काफी सुंदर सा पेंसिल पाउच है। ओपन करके दिखाता हूं, ये देखो जिप है, इस जिप को ओपन करके दिखाता हूं तो ये देखो अंदर से कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है। और इसके अंदर गाइस हमें एक नेट वाला पॉकेट मिल जाता है, देख सकते हो इसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। एक और कंपार्टमेंट मिलता है इसमें गाइस हमें 1 2 3 4 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, इन पेंसिल लॉक में हम पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। और नीचे एक और कंपार्टमेंट आप देख सकते हो, कितना ट्रांसपेरेंट कंपार्टमेंट, बाहर से ही दिख रहा है सब कुछ। और सबसे अच्छी बात है जब हम इसके अंदर सामान डालेंगे ना तो बाहर से तो ज्यादा अच्छे से नहीं दिखता, बट अंदर से ना ये सब कुछ दिखता है कि बाहर क्या है। तो देख सकते हो काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है गाइस। नेक्स्ट चीज दिखाता हूं दोस्तों, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक छुक 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 रेल गाड़ी वाली गाइस ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है जहां से ये धुआं निकलता है ना, इसके अंदर है गाइस शार्पनर, आपको दिखाता हूं वो कैसे। तो ये देखो पहले तो इसके ये हटा दिया और ये देखो शार्पनर बिल्कुल फिक्स है। ये देखो इसके धुएं वाले पार्ट में गाइस हम यहाँ पे पेंसिल डालेंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे दोस्तों, और सारा कूड़ा गाइस हम यहाँ से निकाल के फेंक देंगे दोस्तों। और इसमें गाइस हमें 1 2 3 4 5 6 व्हील मिल जाते हैं दोस्तों। ये देखो सारी चीज दी हुई है, यहाँ से पेंसिल डालना है, यहाँ से सारे छिलके निकाल के फेंकने हैं। और गाइस इसमें ओपन करके दिखाता हूँ इसमें कितना स्पेस है। पहले ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो कुछ इस तरह इंटरफेस है, इसमें काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। और एक और कंपार्टमेंट ओपन करते हैं, नीचे एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं दोस्तों। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास BTS का जंबो ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, ये भी काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है, देख सकते हो ये BTS की जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है। और गाइस यहाँ नेम और क्लास का एक स्टिकर मिल जाता है जिसपे हम अपना नाम और क्लास लिख सकते हैं दोस्तों। BTS के सारी फोटोज छपी हैं, जो भी कैरेक्टर है इनके अगर नाम पता हो तो प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कौन कौन है BTS आर्मी हो तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। देख सकते हो फ्रंट में गाइस हमें ये तरह का इंटरफेस मिलता है, फ्रंट में गाइस 4 बटन मिलते हैं, 4 बटन को दबा लेते हैं तो 4 बटन को दबाने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे शार्पनर मिल जाता है, एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है जिसकी गहराई काफी जबरदस्त है, और 2 छोटे-छोटे कंपार्टमेंट सेम तरह के मिलते हैं दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं इसमें गाइस हमें मिलता है एक पेंसिल लॉक काफी अच्छा था। और इसके अंदर गाइस मिलता है 3-3 पैन स्टैंड दोस्तों, ये देख सकते हो पैन स्टैंड मिल जाता है। एक गाइस हिडन कंपार्टमेंट मिलता है इसके अंदर, ये बटन है, हिडन कंपार्टमेंट मिल जाता है, एक और हिडन बटन मिलता है, इस बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों है ना काफी जबरदस्त स्पेस। और इसमें दोस्तों हम अपना कुछ भी चीज रख सकते हैं। बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड केवल एक ढक्कन मिलता है, ढक्कन को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसमें 2 कंपार्टमेंट मिलते हैं गाइस, एक ही कंपार्टमेंट के अंदर 2 कंपार्टमेंट, ये देखो काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है दोस्तों। और इस जंबो ज्योमेट्री बॉक्स को BTS की मैंने परचेज करी है 300 रुपीज की दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा दोस्तों, और कलेक्शन अच्छा लगा तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। और जब भी कमेंट करते हो ना, कमेंट करने के बाद ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखना, मुझे तो ये 100 बॉक्स की ज्योमेट्री बॉक्स काफी जबरदस्त लगी, आपको क्या लगा बस आप मुझे कमेंट करो, कमेंट करने के बाद ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।